माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 लाइट के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को विद आंसर आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन विद आंसर, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखते वक्त हर उस तरीके को जान पाए जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैंने लिखा पूरा है लेकिन मुझे मार्क्स पूरा नहीं मिला है। आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये वीडियो सीरीज। तो चलिए देखते हैं लाइट का आज कौन सा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे विद आंसर। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन विद आंसर। क्वेश्चन आज का जो हमारा है वो कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिए इस सीरीज में मैं जो भी क्वेश्चंस लेता हूँ ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन जो है ये हमारे सजेशन है आपके अपकमिंग माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए। तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इनके पूछे जाने के चांसेस है, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और कंसीडर कीजिएगा कि अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप बिल्कुल इसी तरह से आंसर लिखें, क्योंकि ये एक आइडियल वे है लिखने का। आपको फुल मार्क्स रिवॉर्ड किया जाएगा जो भी मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, आप कह मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि सर यहाँ पर दोनों लेंस आपने क्यों बनाया है, आपको तो क्वेश्चन सिर्फ कन्वेक्स लेंस के बारे में बोला गया है। मैंने ये दोनों इसलिए बता दिया है क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन बड़ा आसान सा है, कह रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑप्टिकल सेंटर इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंट। कौन सा पॉइंट? प्रिंसिपल एक्सिस पे लिया गया वो पॉइंट हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस पे लिया गया वो पॉइंट जो कि मिडिल ऑफ द लेंस में है, ठीक है, थ्रू विच, अब इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, थ्रू विच रेज ऑफ लाइट पासेस थ्रू डू नॉट चेंज देयर डायरेक्शन। मतलब अगर इससे आप पास लाइट पास करता है तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अब इससे आप क्या समझते हैं, तो आपको पता है हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा है और रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने देखा कि जब भी रे ऑफ लाइट अपने मीडियम को चेंज करती है तो मीडियम को चेंज करने के बाद डिपेंडिंग कि अगर वो डेंसर से रेयर में या रेयर से डेंसर में जा रही है, ये डिपेंड करता है, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे द नॉर्मल मूव करती है या राइट right? आपको ये बात पता होगी कि वो अपने स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करती है, डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम वो कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम वो टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी। ये बात तो हम सब लोगों को पता है। अब इस चीज में क्या बताया जा रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से रे ऑफ लाइट जब पास करेगी अनडेविएटेड रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट कहां लाई करता है, प्रिंसिपल एक्सिस में लाई करता है। इसके साथ एक और चीज बताई गई है मिडिल ऑफ द लेंस में, मतलब ये जो आपका पूरा लेंस है इस लेंस के इस टोटल लेंथ या विड्थ के मिडिल पॉइंट पर ये लाई करता है, याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपने अगर मेंशन कर दी तो ये वो आइडियल पोजीशन है, डेफिनेशन है जिसके थ्रू आप अपने उस पोजीशन को सही तरीके से समझा पा रहे हैं। इसके साथ इसे इलैबोरेट करते हुए एक और चीज लिखी गई है व्हाइल इमर्जिंग फ्रॉम द सेकेंड प्लेन ऑफ द लेंस आफ्टर रिवर्बेशन। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है हम लोग इसको डोनेट करते हैं डिनोट करते हैं जनरली बाय ओ एंड दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अब आप मुझसे ये पूछे कि सर आपने दूसरा वाला क्यों बनाया है। मैंने बेसिकली इसलिए बनाया है क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आपसे कन्वेक्स लेंस पूछा गया है तो अगर आप पिछले अगले एग्जामिनेशन में हो सकता है आपसे कनकेव लेंस के बारे में भी पूछ दे, तब आप क्या करेंगे, तो आपको ये पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने फिर से यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस लिया हुआ है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हम लोगों ने अपने लेंस को पुट किया है, लेंस के अंदर का वो पॉइंट निकाला है जिस पॉइंट से रे ऑफ लाइट जब जा रही है तो अनडेविएटेड रही है, यही पॉइंट हमारा कहलाएगा यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर। तो एग्जाम के लिए आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस कोई भी बोले तो सिर्फ एक डायग्राम आप चेंज करेंगे और अकॉर्डिंगली डेफिनेशन बिल्कुल यही रहेगा, आपको अपने डेफिनेशन में चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जनरली हमेशा हम लोग ओ पॉइंट को ही यूज करते हैं ऑप्टिकल सेंटर को डिनोट करने के लिए। याद रखिए ऑप्टिकल सेंटर जो है वो सिर्फ लेंस में एग्जिस्ट करता है, मिरर के केस में ऑप्टिकल सेंटर नहीं होता है, ठीक है, वो पोल पॉइंट कहलाता है। तो पोल अलग चीज है, ऑप्टिकल सेंटर अलग चीज है, ऑप्टिकल सेंटर सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं इनकेस ऑफ लेंसेज। अगर कहीं एग्जामिनेशन में पूछा गया ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर तो ऑब्वियस सी बात है वो क्वेश्चन गलत है और इनडायरेक्टली वो मीन कर सकता है पोल को, ठीक है। पोल भी अपने मिडिल पॉइंट होता है किसी भी एक मिरर के केस में, जो उसका मिडिल पॉइंट है वो उसका कहलाता है पोल। तो इस बारे में हम लोगों ने अपने मिरर वाले क्लासेस में देखा हुआ है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन के आंसर को आप सही से लिख पाएंगे। हम अगले वीडियो में मिलेंगे लाइट से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हुए। टिल देन स्टे ट्यून्ड।